आज का प्रातः क्लास है एक नौ 1965 बुधवार। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। ये बेहद के सच्चे बाबा की बेहद की महफिल है। कौन से बाबा की? बेहद के तो दो बाबाएं हैं, एक आत्माओं का और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाबा। जो आत्माओं का बाबा है वो भी एक व्यक्त तन में, और जो मनुष्य सृष्टि का बाबा है वो भी उसी व्यक्त तन में, परंतु दोनों में सच्चा बाबा कौन है? है आत्माओं का बाबा। आत्माओं का बाप होता है या बाबा होता है? बाप होता है। फिर बाबा क्यों कहा? क्योंकि साकार में आया हुआ है तो बाबा भी है, लेकिन सच्चा बाबा है, सच्चे खंड से आया है। और कहाँ आया है? बेहद की महफिल में। मना बेहद की महफिल क्या होती है? है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की तो महफिल कभी होती नहीं, फिर ये बेहद की महफिल क्या होती है? अरे हाँ, रूहानी बेहद का बाप है तो महफिल भी रूहानी बच्चों की है। देखो अभी महफिल बेहद है ना, महफिल में कितने मनुष्य हैं? हैं तो करोड़ों। वो इमर्ज किए हुए हैं कि प्रैक्टिकल महफिल में है करोड़ों, इमर्ज किए हुए। तो बाबा बहुत आहिस्ते करके समझाते हैं कि हमारी मीठी मीठी लाडली मम्माएं कुछ न कुछ अच्छी तरह से धारणा करें जो कोई को समझाए सके। अब ये महफिल है 550 करोड़ की, और आते भी हैं बहुत बड़ी महफिल में। जब सतयुग में छोटी महफिल होती है तो फिर बाबा आता ही नहीं है। जब पूरी महफिल बन जाती है, सभी आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, भले थोड़ी बहुत रही हुई हो वो भी सब आ जाएंगी, क्योंकि जब वापस जाएंगे तो फिर वो खाली रहेंगी।
माताएं समझती हो ना, बाबा सहज समझाती हैं। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा के होते होते सारा समझना है। अभी पहले बाबा कौन है ये तो बच्चों को समझाया गया है। कौन है, हैं? साकार और निराकार का मेल बाबा है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा करो। सच्चा बेहद का बाबा है, शिक्षा देने वाला सच्चा बेहद का टीचर भी है। देखो ये याद रख दो, क्योंकि और कोई को भी नहीं कहा जाता है सच्चा बाबा, सच्चा करतार, सत श्री अकाल, एक कोई कहा जाता है। ये तो पक्का याद करना है। अपना नाम भी लो शिव बाबा, फिर उनका नाम तो बहुत रख दिया है, रुद्र, सोमनाथ, फलाना फलाना, बहुत अनेक नाम रख दिए हैं। किस आधार पर? जैसा जैसा काम वैसा वैसा नाम रख दिए हैं। परंतु सच्चा सच्चा पक्का नाम है शिव। मनुष्य जब गिनते हैं तो बूढ़ी जब कहते हैं तो ऐसे बूढ़ी लगाते हैं ना। बिंदी लगाए देते हैं, उसको शिव भी कहते हैं। तो शिव माना बूरी, तो ये पक्का ध्यान में रखो। तो सच्चा बेहद का बाबा शिव। तो देखो वो हमारा बाबा भी है, फिर वो हमारा बेहद का शिक्षक भी है। क्या करते हैं? हमको इस सृष्टि के आदि मध्यंत तीनों कालों की समझानी सिखलाते हैं। ये क्या हुआ, टीचरपना? हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये अक्षर तो बच्चियां याद कर सकेंगी ना। तो इस सृष्टि की आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके में राज्य करते थे, इसे क्या कहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट, दोनों, कौन राज्य करते थे, ये हुआ हिस्ट्री, और कितने इलाके में राज्य करते थे, ये हुई ज्योग्राफी। अब बच्चे जानते हैं कि सतयुग में देवी देवताएं राज्य करते थे,
और सारे विश्व पर राज्य करते थे। तो सत्युग में सारा विश्व होता है, फिर हाँ ऐसे नहीं सत्युग से ही सृष्टि आरंभ होती है। संबत एक 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 उससे भी पहले आरंभ हो जाता है, जिसे कहते हैं संगम पुरुषोत्तम युग। जब पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो जाता है तो ये हिस्ट्री हुई ना कि कौन राज्य करते थे, कहाँ राज्य करते थे, कितनी धरणी पर राज्य करते थे। अभी ये तो थोड़े थोड़े पर, बड़ौदा वाला राजा बड़ौदे पर राज्य करेगा, मैसूर वाला मैसूर पर राज्य करेगा। तो ये तो गांव का टुकड़ा है, टुकड़ा टुकड़ा, वहां ऐसे नहीं है। कहां पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे नहीं है, वहां भले वृंदावन का सारे विश्व का, क्योंकि दूसरा कोई राजा होता नहीं है, क्योंकि गांव का टुकड़ा टुकड़ा तो सबको मिलेगा ना, तो उनका बनेगा। उस समय में और कोई राजा नहीं होती है। किस समय में है सतयुगी संगम युग में एक के अलावा और कोई राजा नहीं होती, और कोई धर्म भी नहीं होते हैं। बाकी इस दुनिया में राजाएं क्यों नहीं होंगे, हर एक को अपना अपना टाइम पर वर्षा मिलेगा। देखो राधे का बाप भी राजा था, कृष्ण का भी बाप महाराजा था। ये क्या बोला कहाँ की बात है, पुरुषोत्तम संगम युग की बात बताई। राजा तो दोनों थे, परंतु एक राजाओं का भी राजा महाराजा, कौन, कृष्ण का बाप। जब सगाई हुई तो दास दासियां वगैरह जैसे होता है ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाना तो बड़ी प्रजा और हाथियों पर बैठ करके वो डोली में बिठा करके ये आते हैं दूसरे गांव का, दूसरे गांव में, तो फिर वहां आकर के इनकी शादी होती है। श्री कृष्ण के घर में शादी होती है, वहां इतने लोग कोई कहें भाई श्री कृष्ण गया राधे के पास उनको ले आने के लिए, तो वो जाएगा शादी करेगा, फिर वो अपने साथ जेवर गांव आदि भी देते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की रिवाज हो गई है।
ये तो बच्ची समझते हो ना, कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो पहले पहले तो हम किसके पास पढ़ते हैं? ऊंचे थे ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाबा, सच्चा बेहद का शिक्षक। क्योंकि वो पूछेंगे, बेहद की शिक्षा कौन दे रहे हैं? बोलो। कौन पूछेंगे? क्योंकि वो पूछेंगे, पास्ट की बात नहीं है, वर्तमान की भी बात नहीं है, कब की बात, भविष्य की बात बताई। वो पूछेंगे कि बेहद की शिक्षा कौन देने वाला है? तो पहली बात, कौन पूछेंगे, किससे पूछेंगे? हैं? चंद्रवंशी सूर्यवंशियों से पूछेंगे। संबंध जुड़ता है तो संबंध जोड़ने से पहले पूरी तहकीकात की जाती है ना। ये रसम रिवाज अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। तो बोलो, ये हैं जो हमको सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज ज्ञान समझाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अभी त्रिकालदर्शी दुनिया में कोई होता नहीं है। जो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जाने, ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं है। वो तो कह देते हैं बेअंत है, उसकी रचना भी बेअंत है, अपरम अपार है, बस ऐसे कह देते हैं। उसको संस्कृत में नेति नेति कह देते हैं। उसके अंत को हम नहीं जानते, नहीं जानते। फिर बेहद का सतगुरु, फिर सबका सदगति दाता, फिर सबको साथ में ले जाने वाला पंडा। इसलिए पंडा के तुम बच्चे क्या नाम हुआ? पांडव। पांडव सेना पड़ा हुआ है। अब पंडाक्षर यहां मशहूर है क्या? उन्होंने तो पांडव कहां दिखा दिए? द्वापर में दिखाई दिए। द्वापर में नहीं पंडा कहीं ले जाता है, कहां ले जाता है? हैं? ये तो संगम युग की बात है। जब इस सृष्टि का महाविनाश होता है तो सब आत्मा उस पंडा के साथ बाप के घर में जाती है। पंडा ले जाने वाला आता है, वो जिस्मानी पंडे होते हैं, जिस्म को खींच करके ले जाते हैं, और ये रूहानी पंडा है। कौन है जिस्मानी पंडे? है बाहर की दुनिया में भी भक्ति मार्ग में जिस्मानी पंडे हैं। ढेर के ढेर स्थूल तीर्थ में ले जाते हैं,
या तो पहाड़ों पर ले जाते हैं और शूटिंग पीरियड में भी जिस्मानी पंडे हैं जो आत्मा को कशिश नहीं कर सकते, किसको खींच के ले जाते हैं? देह अभिमानी मनुष्यों को खींच के ले जाते हैं। चलो हम तुम्हें दिखाएं पंप एंड सो। तो ये तो जिस्मानी पंडा नहीं है, इसका कोई भी पंप एंड सो नहीं है, ये तो रूहानी पंडा है। तो तुमने गीत सुना है, क्या था गीत? महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। परवाने कौन हैं? पांडव। और शमा कौन है? पंडा बाप। जो बताते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में चारों धाम लगाए फेरे, फिर भी पंडा बाप से हरदम दूर रहे। अब एक जन्म में तो चार धाम नहीं किए होंगे ना, है? क्यों? एकदम एक जन्म में चार धाम नहीं किए जा सकते है? भक्ति मार्ग में ऐसा कोई नहीं हुआ होगा जिसने एक ही जन्म में चार धाम पूरे कर लिए हों? भक्ति मार्ग में करते हैं। तो ये कहां की बात है, है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में चार धाम की बात है। चारों धाम लगाए फेरे, लेकिन फिर भी असली बाप से दूर ही रहे। किसकी बात होगी? है तो सभी भक्तों की बात, लेकिन कोई एक भक्त के पीछे ये रस्म रिवाज चालू हुई होगी ना। जन्म जन्मांतर चार धाम चक्कर लगाए हैं, बहुत तीर्थ करते हैं, उनको बोलते हैं चारों धाम का चक्कर। चारों ही तरफ में, क्योंकि तीर्थ कोई अमरनाथ में है, कोई बद्रीनाथ में है, कोई इस तरफ में है, माने इस तरफ माने नहीं नहीं माउंट आबू बैठ के वाणी चलाई जा रही है, तो इशारा किया कोई इस तरफ में है। इस तरफ का क्या मतलब? अरे अमरनाथ और बद्रीनाथ ये तो नॉर्थ में हो गए, अब माउंट आबू के नजदीक इस तरफ कौन सा धाम है जो भक्ति मार्ग में चक्कर काटते हैं? श्रीनाथ द्वारका है, श्रीनाथ द्वारा है। देखो रामेश्वरम है, देखो चारों तरफ है ना, तो बोला चारों तरफ चक्कर लगाए। बाबा से नहीं मिल सके भक्त, भगवान से मिल ही नहीं सके।
देखो अभी बाबा आते हैं, भगवान आते हैं, एक 1965 की वाणी का दूसरा पेज, उसको ही कहा जाता है पतित पावन, यानी पतित सृष्टि को जब कलयुग हो जाता है तो उनको सतयुग बनाने के लिए हमारा बाबा आता है। कब आता है? हैं? हमारा बाबा का टाइटल क्या बताया? पतित पावन। कब आता है? उन्होंने तो कृष्ण भगवान को द्वापर में अंत में दिखाई दिया। अरे द्वापर में पूरी सृष्टि थोड़े ही पूरी पतित होती है, पूरी पतित तो अंतिम तामसी युग में होगी ना, कलाहीन युग में। भारत में आता है, फिर भारतवासियों को फिर से सोहीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाता है। कैसे स्वर्ग का मालिक है? हैं? सोने जैसे स्वर्ग का मालिक नहीं, मना सतयुग का मालिक नहीं। कैसा मालिक है? हैं? सतयुग में दुनिया होती सोने समान, हीरे समान, स्वर्ग का मालिक बनाता है। हीरे समान क्यों कहा? हैं? इस युग में ही इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो कौन है? वो प्रत्यक्ष होता है, और कोई युग में प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसे बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, उनको न जानने के कारण ये जो भी साधु संत महात्मा है वो बोलते हैं ठिक्कर में है, भित्तर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, बारह अवतार वगैरह वगैरह। अब देखो वो कितना गालियां देते हैं, तो बाबा आकर के कहते हैं कि देखो जब जब ये मेरी बहुत ही ग्लानी करने लग पड़ते हैं, मुझको ऐसे ऐसे कहते हैं, फिर कहते हैं शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ, ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ, क्योंकि ब्रह्मा की भी बच्चियां होती है ना, ब्रह्मा की फिर स्त्री तो कोई होती नहीं है। क्यों है? अरे अम्मा है तो बिना बप्पा के हो गई, कौन? ब्रह्मा स्त्री है, बम माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा है तो बाप कौन है? वो ब्रह्मा है, जगदम्मा है, बड़ी तो बड़ी अम्मा है, सारे जगत की अम्मा है, तो बाप भी तो होना चाहिए है? है जगत पिता कहते हैं ना, जगतम पितरम कहते तो है। तो जब ब्रह्मा बाप का बच्चा बनता है तो फिर स्त्री नहीं होती है। बच्चे होते हैं क्योंकि वो होते हैं मुखवंशावली,
क्योंकि शिव बाबा की ब्रह्मा जैसे खुद स्त्री बन जाती है। तो ये थोड़ी गुही बातें हैं, हैं? क्या गुही बात हुई? अरे ब्रह्मा बाप का बच्चा हो गया, शिव बाबा का बच्चा। तो शिव बाबा कौन? ब्रह्मा तो साकार में है, तो कौन से बाप का बच्चा है जो कहा शिव बाबा का बच्चा? अब बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, तो किसका बच्चा हुआ? साकार में शिव बाबा का बच्चा हुआ। तो फिर उस समय तो स्त्री होती नहीं है, है? बच्चा हुआ तो बच्चा है कि स्त्री है? बच्चा है। उस समय तो स्त्री होती नहीं है, बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे होते हैं, हैं? और वो बच्चे बिना अम्मा के कहां से आ जाते हैं, हैं? कौन से बच्चे होते हैं पहले? ब्राह्मण बच्चे। तो ब्रह्मा के पुत्र हुए ना ब्राह्मण, हैं? प्रजापिता, हाँ। शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो प्रजापिता है ना। लेकिन मुरली में तो बोला है ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या हैं? तो जरूर कोई स्त्री थी, माता थी, और उस माता का नाम है। तो फिर ब्रह्मा स्त्री नहीं होती है, बच्चे होते हैं रुद्रमाला के मण के, कि बच्चियां होती हैं, हैं? बच्चे होते हैं क्योंकि वो होते हैं मुखवंशावली। वो बच्चे जो होते हैं वो कौन सी वंशावली, कौन से मुख की वंशावली? नहीं, अम्मा तो जरूर चाहिए, हैं? कंबाइंड होता है, शिव पिता है, हैं? हम बीज प्रदा पिता, वो पिता भी उसी चोले में है और माता भी परम ब्रह्म माता भी उसी चोले में है। तो बोला बच्चे होते हैं क्योंकि वो होते हैं मुखवंशावली। तो जो बच्चे हुए वो किसकी मुखवंशावली हुए है? जो रुद्र हुए वो रुद्र बच्चे किसकी मुखवंशावली? वो रुद्र बच्चे निराकार या साकार? अगर कहें साकार तो माँ भी साकार ही होनी चाहिए। लेकिन रुद्र रुद्राक्ष जो हैं उनमें सिर्फ मुख ही मुख दिखाए जाते हैं कि रुंड भी दिखाया जाता है? मुख दिखाए जाते हैं। इसका मतलब वो बीज रूपी स्टेज वाले हैं। कैसी स्टेज वाले? बीज रूपी स्टेज। भले वो स्टेज धीरे 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 परसेंटेज में कम होती है लेकिन पूरी खलास नहीं होती। वो बीज भले सृष्टि का भी अंत हो जाए, महाविनाश हो जाए, तो भी वो बीज कायम रहते हैं।
तो बोला, बच्चे होते हैं रुद्र बच्चे, क्योंकि वो होते हैं मुखवंशावली। शिव बाबा की ब्रह्मा जैसे खुद स्त्री बन जाती है बाद में। तो ये थोड़ी गुई बातें हैं, परंतु तुम समझते तो हो ना आगे पीछे। भले तुम बच्चों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाते हैं। सब ब्रह्मा कुमारी और कुमार बन जाते हैं। और हम जैसे कि ईश्वर के कुटुंब हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारा दादा हुआ ना। ये बड़े डाडे का कुटुंब हुआ। कौन हुआ बड़े डाडे? हैं? अरे प्रजापिता भी हमारा बाबा कहा जाता है उसमें। ये हमारा बाबा है, साकार निराकार का मेल है। फिर डाडा कौन हुआ? तो तुम बच्चे हुए शिव के बच्चे। किसके बच्चे? शिव के बच्चे। भक्ति मार्ग में शैव संप्रदाय भी तो है, हैं? ब्रह्म समाजी भी होते हैं, वैष्णव पंथी भी होते हैं। तो जब शरीर में हो तो बहन भाई हो। तो ब्रह्मा द्वारा तुम बहन भाई बनते हो, ब्रह्मा कुमारी और कुमार और शिवा की तुम संतान हो। उसको कहा जाता है अविनाशी संतान। शिव बाबा की कौन सी संतान हो? संसार में उनको क्या कहते हैं जो शिव बाबा की संतान है? हैं? अरे कौन सी माला प्रसिद्ध है? रुद्र माला। तुम रुद्र बच्चे हो, तुम शिव बाबा की संतान हो। वो तो हो ही। क्या कोई नए नहीं बनते हो? पहले से ही शिव बाबा की संतान हो। उसको कहा जाता है अविनाशी संतान। क्या वो निराकारी स्टेज वाले शिव बाबा के बच्चे कलयुग के अंत में खलास नहीं होते? होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। अविनाशी संतान हो। निराकारी स्टेज का परसेंटेज भले कम हो जाता है कलयुग के अंत में, लेकिन वो निराकारी स्टेज उनकी बिल्कुल खलास नहीं होती है। तो आत्मा भी अविनाशी, और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी अविनाशी। क्या मतलब हुआ अविनाशी का? हाँ, जो प्रजापिता है उसका पार्ट भी समाप्त नहीं होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, एक दिन के लिए भी नहीं। और जो बच्चे हैं उनका भी पार्ट खलास नहीं होता है। अविनाशी संतान है। हाँ, शरीर तो फिर विनाशी होते हैं। पीछे शरीर तो एक छोड़ा, दूसरा, दूसरा छोड़ा, तीसरा। तो देखो बरोबर 84 जन्म हम भारतवासी लेते हैं। कितने हुए 84 जन्म लेने वाले बीज? 4.5 लाख बीज हैं।
जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो देवी देवता भारत में पहले आते हैं वो ही फिर आकर के पिछाड़ी में दैवी वर्ण से निकल करके शूद्र वर्ण की तक आ जाते, यानी सतो प्रधान से तमो प्रधान में आ जाते हैं। अब ये तो समझ गए ना, हम सतो प्रधान आत्माएं, देवी देवताएं सोतम प्रधान में आ जाते हैं। क्या कहा, कौन आ जाते हैं तमो प्रधान में? हैं? रुद्रमाला के मण के तमो प्रधान में आ जाते हैं या चंद्रवंशी तमो प्रधान में आते हैं? अति के तमो प्रधान, रुद्रमाला के मण के अति के तमो प्रधानता में आ जाते हैं। कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती? क्राइस्ट से। क्राइस्ट न ज्यादा सतो प्रधान, क्रिश्चियन से ज्यादा न ज्यादा सतो प्रधान और न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे ही तुम बच्चे भी, तुम बच्चों को क्या कहेंगे, हम तो कृष्ण की औलाद ही नहीं है, हम ब्रह्मा की औलाद, चंद्रवंशियों की औलाद हैं क्या, हम तो सूर्य की औलाद हैं, तो हम साबत से पुराने हैं। जो जास्ती पुराना होता है वो जास्ती तमो प्रधान बनता, जो अर्वाचीन होता है वो कम तमो प्रधान बनता। जैसे क्रिश्चियन न ज्यादा सतो प्रधान बनते न ज्यादा तमो प्रधान बनते, सीढ़ी के चित्र में ही अंत में दिखाया है। जो भारत है वो भिकमंगा भारत बन गया, भीख ले रहा है किससे? विदेशियों से, क्रिश्चियन से। तो बोला हम सतो प्रधान भारतवासी तमो प्रधान में आ जाते हैं। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, तमो, तमो पे आ जाते हैं। क्या होता है, इसमें खाद पड़ जाती है, विकारों की कहो तो तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तमो प्रधान जो आत्मा सच्चा सोना, सो फिर जो झूठा बन गई, सच्चा कैसे बने? क्योंकि पहले आत्मा को पवित्र होना है ना, आत्मा पवित्र हो, सोना पवित्र हो, सच्चा हो, तो जेवर भी सच्चा बने। जेवर माने क्या? शरीर। साधु विद्वान लोग ऐसे समझाते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। जो कहते हैं पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा, ऐसे कहते हैं ना, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे आत्मा के लिए ही कहते हैं ना। तो आत्मा निर्लेप कैसे रही? पतित पने का लेप छेप लगे ना। तो देखो ये लोग झूठ बोलते हैं। कौन लोग? हाँ जी, फिर उनको समझाना है। ये बहुत मीठी समझानी, आहिस्ते आहिस्ते आराम से देते रहेंगे। बोलो, हमारी बात सुनो। क्या कहा हैं? वो अपनी सुनाएंगे और हम क्या कहें? हमारी बात सुनो। हमको तो कोई की बात नहीं सुननी, तुम्हें सुनना हो तो सुनो और नहीं सुनना हो तो चलते जाओ, हमको एक की सुननी है।
हैं? गीता का श्लोक सुना दो क्या? यावान अर्थ उदोपानेषु है, जिसको बड़ा सागर मिल गया हो मानसरोवर नहाने के लिए, हो गड़ैया गड़ीचियों में क्यों स्नान करेगा? तो हमको तो एक मिल गया, अब हम कोई दूसरा गुरु करने वाले नहीं है। और संग सबका छोड़ हम एक से सुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब दूसरे कोई का नहीं सुनो। क्या कहते हैं? न कोई दूसरे का सुनो, न कोई दूसरे को याद करो, माम एकम याद करो। उनका कहना है एक से ज्ञान सुना तो अब विचारी ज्ञान, और अनेकों से सुना तो विचारी ज्ञान हो जाता है। तो हम विचारी थोड़े ही बनने वाले हैं, अब तो हम हैं, अब विचारी देवता बनने वाले हैं। तो हम एक की सुनते हैं, तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो तुम बोलेंगे वो सभी वेदों की, ग्रंथों की, शास्त्रों वगैरह की बातें सुनाएंगे। वो बातें तो हमने जन्म जन्मांतर सुनी और बहुत सुनी है, बहुत चारों धाम के चक्कर लगाए हैं, बहुत धक्के खाए, परंतु उन चारों धामों में तो भगवान नहीं आता है। आता है? तुमको मिल गया? नहीं मिला? तो चारों धाम में भगवान आता नहीं। भगवान तो देखो यहां आते हैं, कहां है? युग की बात नहीं है, धाम माने स्थान की बात है। आकर हमको समझाते हैं किसको आना होता है, जिसके लिए हम कहते हैं अभी जान गए हैं कि बाबा हमारा बेहद का बाबा है। क्या क्राइस्ट आदि की तरह 100-200 करोड़ का बाबा नहीं है? कितनों का बाबा है ये? 500-700 करोड़ सारी सृष्टि का बेहद का बाबा है। तो उसने सुनाया ना, उसने समझाया ना, और निश्चय करती हो ना कि हमारा शिव बाबा ऐसा है। अभी ऐसे बाबा को हम सुनेंगे या तुमको सुनेंगे? इसलिए तुम कुछ भी बोलेंगे हम नहीं सुनेंगे, इसलिए फिर तुम्हारा कोई से वाद विवाद नहीं होगा। क्या अगर ऐसे बोल देंगे तो कोई तुमसे वाद विवाद नहीं करेंगे। किसी से तुम्हारा वाद विवाद नहीं होगा, चाहे सुनो चाहे न सुनो, चले जाओ। बाकी हम सुनाने वाले हैं, हम सुनने वाले नहीं हैं। वाह भाई, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां किसकी सुनने वाले नहीं हैं? हम बोलेंगे वेद में ही ऐसा है। कैसा कैसा? वेद में ये किस ऋचा आई है कि हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानते हैं। तो हम नहीं तुम्हारी बात सुनना चाहते, हम तो बंद करते हैं, हम बोल देते हैं ये सब झूठ है, तुमको सुनना है तो सुनो, नहीं तो चले जाओ।
वो लोग फिर बहुत तंग करते हैं, गालियां देने में भी देर नहीं करते हैं। क्या कहा? नहीं, ये बोला, वो लोग फिर बहुत तंग करते हैं, गालियां देने में भी देर नहीं करेंगी। कौन? किसकी बात है? किस? हाँ जी, जो एडवांस वाले हैं वो प्रवृत्ति मार के हैं या निवृत्ति मार के हैं? सब प्रवृत्ति मार के, और बेसिक में सब निवृत्ति मार के बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो। एक सूर्यवंशियों को छोड़ करके बाकी सब धर्म हैं, सब धर्म निवृत्ति मार्ग में ले जाने वाले हैं। उनका धर्म प्रवृत्ति का पक्का नहीं है। तो बोला, बोलेंगे ये बहकाए हुए हैं, इनको जादू लगा हुआ है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये घर बार पिटाते हैं, भाई बहन बनाते हैं। अरे भाई, भाई बहन होंगे तो जरूर बेहद के बच्चे होंगे ना, हैं? तब तो इतने भाई बहन होंगे। आज भी मंदिरों में जाकर कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बेहद के बाप के लिए कहते हैं कि हद के बापों के लिए कहते हैं? तो सो भी हमारे इतने भाई बहन हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो जरूर कोई बाप भी तो होगा ना, उनसे हमको वर्षा भी तो मिलता होगा ना। तो देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। डाडे का वर्षा, बीच में बाप न हो तो मिलेगा है? डाडे का वर्षा और बीच में बाप हो नहीं द्वारा मीडिया, तो वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा? ये तो हो ही नहीं सकता है बच्चे। वर्षा लेने वाले ये बच्चे कहाँ से आएंगे? जो डाडे का वर्षा लेंगे, 1965 की वाणी का तीसरा पेज। कभी कभी बहुत कहते हैं कि नहीं, हम तो सीधे डाडा से वर्षा लेंगे। अभी सीधे डाडा से वर्षा मिलेगा कैसे हैं? मिलेगा? कोर्ट में भी जाएंगे तो बीच में डाडे को डालना पड़े या नहीं डालना पड़े? यानी बीच में बाप ठहरा ही नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे ही नहीं, डाड़े से वर्षा कैसे ले सकेंगे? ये तो कोई कायदा ही नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है? डाडा हो बे, अच्छा डाड़े से वर्षा किसको मिलेगा? पुत्र को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, जरूर पुत्र होगा, उससे पोत्र मिलेंगे तो पोत्रों को भी हक मिलेगा। डाडे का पुत्र होगा, वो पुत्र है, बाप से मिलेगा तो डाडे का वर्षा पोत्रों को मिलेगा, तो पुत्र को भी मिलेगा, पौत्रों को भी मिलेगा। नहीं तो डाडा कहाँ से बच्चा पैदा करेगा? डाडा बच्चा पैदा करेगा या बाप बच्चा पैदा करेगा? अभी तुम बच्चों ने ये समझ आई है कि पहले महिमा बाबा की, क्योंकि कोई नहीं जानते हैं
अरे वो है गीता का भगवान, भगवान उनको कहा जाता है। भगवान का परिचय तो पहले देने के लिए समझा दिया हुआ है, फिर भी ये दूसरा परिचय कि वो सच्चा बेहद का बाप है, सच्चा बेहद का शिक्षा देने वाला है, क्योंकि वो हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देखो त्रिकाल अक्षर इनको पक्का कराए दो, यानी तीनों कालों का आदि मध्यंत। आदि मध्यंत किसको कहा जाता है? आदि हुआ सतयुग, फिर मध्य का संगम चाहिए ना, तो बरोबर त्रेता और द्वापर का मध्य हुआ, तो कल पूरा हुआ, पीछे हैं दो कल, तो मध्य हुआ ना आधा। ये भी अच्छी तरह से याद करो बच्ची, नोट करती जाओ। ये फिर इन बच्चियों को समझाना, आदि मध्य और फिर अंत, यहाँ तो को जब तुम यहाँ तक कि तुम जानती हो तो क्या होने का है? मुख्य पॉइंट ही अंत की है, संगम की, जो बाप बैठ करके पतितों को, पति दुनिया को, फिर पावन बन दुनिया बनाते हैं। पति दुनिया को नरक कहते हैं, सो भी कुंभी पाक नरक। बच्चियाँ, कोई ने गरुड़ पुराण सुना है? हाथ उठाओ। जिसने गरुड़ पुराण सुना हो तो गरुड़ पुराण में उनको कुंभी पाक नरक कहते हैं, जो दिखलाते हैं नदियों में मनुष्य, जानवर, बिच्छू, फलाने एक दो को डसते रहते। तो नदी वो नहीं है, नदी में थोड़े ही मनुष्य होंगे, शेर भी होंगे, बकरी भी होगी। अरे कोई ऐसे कभी देखा? कभी कोई नदी नहीं है? नदी में नहीं तो ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, उसमें देखो ये सभी एक दो को खाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कौन सभी है? अरे अभी तो बताया, नदी कोई वो नदी नहीं, नदी में थोड़े ही मनुष्य भी होंगे, शेर भी होंगे, बकरी भी होगी क्या? और इस विषय वैतरणी नदी में भी शेर भी हैं और बकरी भी हैं और हैं, बकरी भी होंगी, शेर भी होंगी, मनुष्य भी होंगे। तो ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी, उसमें देखो सभी एक दो को मारते पीटते हैं। अच्छा है जो गरुड़ पुराण भी सुना है, बाबा तो सुना हुआ है, तब तो पूछते हैं तो बताते हैं ना, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो कोई नदी नहीं है, वो तो नदी दिखलाई देते। पर ये सारी बड़ी विषय वैतरणी नदी है, इसको विषय सागर भी कहा जाता है, क्योंकि विषय सागर से वो जो पांच विकार रूपी रावण, उसको विषय सागर कहो। तो ज्ञान सागर तो विषय सागर है। क्या कहा? नहीं सुना? क्या सुना? ज्ञान सागर तो वो विषय सागर है, उनमें से फिर देखो विषय की नदी, विकारों की नदियां,
तो इस समय में सभी जो भी हैं रावण संप्रदाय आसुरी संप्रदाय वो विषय सागर में गोता खा रही है। तो ज्ञान सागर में वो विषय सागर, उनमें फिर देखो विषय की विषय 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 की नदी, किन में देखो विकारों की नदियां हैं। कहां कहां की बात? अरे मुरली में बोला ना, भारत की नदियों में स्नान करने जाते हैं, विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाते हैं। तो कौन सी पतित पावनी हुई, कौन सी विषय विषयी नदियां हुई हैं? विदेश की हैं, वो विषयी सागर विषय से विषय सागर से निकली हुई नदियां, और भारत में क्षीर सागर से निकली हुई पतित पावनी नदियां। अच्छा, ओम शांति। सागर का नाम क्या है इस दुनिया में? है? है? अरे इस दुनिया में भी उस विषय सागर का नाम दिया हुआ है, है? कोई को पता नहीं? नहीं, अंध महासागर अंधा बना देता है, कहते हैं ना कामांध।